हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। आज का जो वीडियो है वो हम लोग जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है, बाहर की जो हार्ड डिस्क आती है, उसको हम लोग अपने मोबाइल के अंदर है वो कैसे कनेक्ट करेंगे। आपका मोबाइल कभी कभी फुल हो जाता है, आपका कुछ वीडियो फोटो या एक्स्ट्रा जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको आप सेफ रखना चाहते हो और फ़ोन की मेमोरी भी है वो खाली करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप एक हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड के अंदर वो सारा का सारा जरूरी डेटा है वो उसके अंदर आप सेव करते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हार्ड डिस्क 1 TB तक अपने मोबाइल के अंदर कैसे है वो कनेक्ट करोगे। यदि आपका मोबाइल सी टाइप का है तो भी कनेक्ट हो जाएगा, या इसे छोटे वाला जो आता है नॉर्मल तो वो भी है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आप कनेक्ट कैसे करोगे, तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ हार्ड डिस्क से कनेक्ट करने के लिए आप मार्केट से हार्ड डिस्क लेके आओगे, तब ये हार्ड डिस्क के साथ आप ऑलरेडी फ्री मिलेगा आपको, तो ये तो आपको ऑलरेडी फ्री मिल ही जाएगा। ये आपको मार्केट से वो परचेज करना पड़ेगा, 25 रुपए या 30 रुपए में ये जो OTG है वो आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। इस OTG से हम लोग अपना मोबाइल है वो कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, आप जब हार्ड डिस्क को अपने PC के अंदर कनेक्ट करते हो तब वो NTFS में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी सिस्टम होता है वो सारा का सारा सिस्टम है वो NTFS के अंदर चलता है। तो हमें सबसे पहले इसको हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मारना होगा, कैसे मारना है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप ही हमारा ये रहेगा कि हम लोगों को हार्ड डिस्क को है वो NTFS से हटा के अदर फाइल के अंदर है वो फॉर्मेट मारेंगे, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर है वो बता दूंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा यही रहेगा। उसके बाद अपने मोबाइल में कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज मान लो कि ये मेरी जो हार्ड डिस्क है वो है, हार्ड डिस्क तो नहीं है, एक ड्राइव है, मैं आपको उस सिस्टम से बता रहा हूं, क्योंकि मैं जैसे ही वो अपने PC के अंदर लगाऊंगा तो वो NTFS में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें NTFS में नए करके यहाँ पे फॉर्मेट आना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NTFS, तो हमें NTFS में नए करके EXFAT के अंदर यहाँ से फॉर्मेट है वो स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से NTFS को हटा के EXFAT पे फॉर्मेट कर दोगे तो आपकी हार्ड डिस्क यदि 1 TB भी है तो भी आपके मोबाइल के अंदर है वो सपोर्ट करेगी। तो सबसे जो पहला है वीडियो के अंदर बात ध्यान रखने वाली वो यही है कि यहाँ पे NTFS को हटा के इसके अंदर हमें वो फॉर्मेट करना है। जैसे आप इसके अंदर फॉर्मेट करोगे तो डेफिनेटली वो आपके मोबाइल के अंदर है वो सपोर्ट करेगी, फिर चाहे आपका मोबाइल कौन सा भी यूज करते हो आप, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैं NTFS ही रखूँगा क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट नहीं करना है। मेरी जो हार्ड डिस्क मैंने आपको वीडियो में दिखाई है वो पहले से ही मेरी फॉर्मेट ऑलरेडी की हुई है, तो मैं अब आपको उसको मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाऊँगा। तो चलिए दिखाता हूँ आप। तो दोस्तों, इस टाइप का आपको एक OTG की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने टेप लगा रखी है, इस पर थोड़ा ये USB है, थोड़ा लूज रहता है, हिलता है, इसलिए इसके अंदर टेप लगा दी ताकि ये टाइट रहे थोड़ा। और ये मेरा जो हार्ड डिस्क है इसको मैं इसके अंदर लगा के और इसमें फ़ोन में कनेक्ट करूँगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो पर। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर है वो ये डालूँगा, फिर ये फ़ोन के अंदर कनेक्ट करूँगा। तो ये देखिए, मैं इस फ़ोन के अंदर है वो इसको क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, तब जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर आपको एक लाइट है वो शो होगी, और हार्ड ड्राइव को आप जैसे ही अपने हाथ से स्प्रेस करोगे तब उसके अंदर आपको है वो हल्का हल्का वाइब्रेशन, यानी जैसे हार्ड डिस्क स्टार्ट होती है हल्का सा वाइब्रेशन है वो महसूस होगा। तो इसको हार्ड डिस्क को चकने में या सपोर्ट करने के अंदर आपको 1 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ये हार्ड ड्राइव है वो पूरा सपोर्ट हो जाएगा तब आपको फ़ोन के अंदर है वो शो करेगा। तो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और ये इसके अंदर है वो कनेक्ट हो गई है। तो आपको फ़ोन के अंदर है वो मैं चेक कराता हूँ कि कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है। तब आपको यहाँ पे एक USB स्टोरेज 1 का सिस्टम दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ।
तो ये हार्ड डिस्क है वो इसके अंदर है, वो कनेक्टेड हो गई है। ये देखिए अब इसके अंदर जो भी सिस्टम डला हुआ है सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर है वो हार्ड ड्राइव लगा सकते हो 1 TB तक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें।